हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि डीएलटी पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद और सेंडर आईडी रजिस्टर करने के बाद हम कैसे अपने टेम्पलेट्स को रजिस्टर कर सकते हैं और कौन कौन से टेम्पलेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर के टेम्पलेट्स चाहिए बिलिंग के लिए, और अगर हम साथ में ई कॉमर्स वेबसाइट या ऐप यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसके भी टेम्पलेट्स चाहिए। तो यहाँ पर एक एक्सेल शीट है मेरे पास, इस एक्सेल शीट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर से आप जाके कॉपी पेस्ट करके आपको इनमें से जो जो भी टेम्पलेट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, सपोज़ मुझे ई कॉमर्स पे जाना है तो ई कॉमर्स के लिए ये सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। आपको मैं एक बार इन टेम्पलेट्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला टेम्पलेट है OTP। अगर आपको अपने रजिस्ट्रेशन लॉगिन के टाइम पे किसी को OTP भेजना है तो आप उसको OTP के लिए ये टेम्पलेट आपको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद अगर फॉरगेट पासवर्ड के लिए आपको अपने यूज़र को उसकी डिटेल्स भेजनी है तो उसके लिए ये सेकंड वाला टेम्पलेट रजिस्टर होगा। फिर आपको न्यू ऑर्डर पे अगर अलर्ट भेजना है कस्टमर को, COD मोड से अगर कस्टमर ने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है आपको, तो उसके लिए ये टेम्पलेट रजिस्टर होगा। उसके बाद अगर आपको किसी कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट पहले से कर दिया है पेमेंट गेटवे के थ्रू, प्रीपेड ऑर्डर है आपका, तो ये टेम्पलेट रजिस्टर होगा। जब आप ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेंगे अपने बैकएंड से तो आपके लिए ये वाला ऑर्डर एक्सेप्ट का टेम्पलेट जो है वो रजिस्टर होगा। जब ऑर्डर अगर एडमिन आप कैंसिल करते हैं अगर किसी ऑर्डर को, तो उसके लिए ये टेम्पलेट होता है, आइटम कैंसिल्ड बाय कस्टमर। अगर कस्टमर ने कोई आइटम कैंसिल कर दिया है किसी ऑर्डर के अंदर से, तो उसके लिए ये टेम्पलेट होता है। मतलब इन सारे इवेंट्स पे कस्टमर को SMS मिलेंगे। अगर कस्टमर ने आइटम की रिटर्न रिक्वेस्ट डाली है तो उसके लिए ये वाला मैसेज उसको जाएगा। उसके बाद है आइटम पिक्ड अप, मतलब अगर रिटर्न के बाद आपके किसी एग्जीक्यूटिव ने, आप डिलीवरी बॉय के थ्रू अगर डिलीवरी करते हैं या कुछ भी ऐसा है, तो अगर आपने आइटम पिकअप कर लिया है कस्टमर से वापस, तो उसके लिए ये वाला मैसेज कॉन्फिगर होगा। अगर कस्टमर ने आइटम एक्सचेंज की रिक्वेस्ट डाली है आपके पास, तो उसके लिए ये वाला टेम्पलेट होगा। उसके बाद एक ऑप्शन है ऑर्डर अलर्ट टू एडमिन। अगर एडमिन या किसी भी आपके ऑपरेटर को या किसी मैनेजर को अगर कोई अलर्ट चाहिए कि जैसे ही नया ऑर्डर आए तो आपके पास SMS के थ्रू अलर्ट आ जाए, तो उसके लिए ये वाला टेम्पलेट होगा। ऑर्डर डिस्पैच बाय कोरियर, अगर आप कोरियर का यूज़ कर रहे हैं और अगर आपने उसके थ्रू कोई ऑर्डर डिस्पैच किया है और अगर आप अपने पोर्टल में अपने स्टेटस अपडेट किया है ऑर्डर डिस्पैच बाय कोरियर, तो उसके लिए ये वाला टेम्पलेट रजिस्टर होगा। ऑर्डर डिस्पैच बाय डिलीवरी बॉय, अगर आपने अपने डिलीवरी बॉय के थ्रू ऑर्डर डिस्पैच किया है तो ये टेम्पलेट रजिस्टर होगा। फिर है ऑर्डर डिलीवर्ड, जैसे ही ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा कस्टमर को, तो उसके लिए उस इवेंट पे ये वाला टेम्पलेट रजिस्टर होगा। डिलीवरी बॉय अलर्ट, अगर आपने डिलीवरी बॉय की ऐप भी ले रखी है और अगर आप डिलीवरी बॉय को कोई अलर्ट दिखाना चाहते हैं कि उसके पास ये नया ऑर्डर आया और उसे डिलीवर करना है, तो उसके लिए ये टेम्पलेट रजिस्टर होगा। इसके बाद हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर रजिस्टर होते हैं। जब सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आपका बिलिंग के लिए अगर आपका मैसेज भेजना है या आपको क्रेडिट बिलिंग के लिए भेजना है, कैश बिलिंग के लिए भेजना है, लेजर्स में जब आप पेमेंट ले रहे हैं उसके लिए भेजना है, तो ये सारे आप टेम्पलेट्स देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये सारे कैश बिलिंग के टेम्पलेट्स हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि ये टेम्पलेट किस यूज़ के लिए होता है। आप कोई भी एक टेम्पलेट इसमें से यूज़ कर सकते हैं एक समय पर, एक से ज़्यादा टेम्पलेट कैश बिलिंग के लिए यूज़ नहीं होगा, ये ऑप्शनल हैं सारे ही टेम्पलेट्स। ज़रूरी नहीं है आपको सारे टेम्पलेट रजिस्टर करना अपने जियो पोर्टल पे, जो भी आपके मन चाहें इसके अंदर से टेम्पलेट्स हों आप सिर्फ उन्हीं को रजिस्टर करें, सारे टेम्पलेट रजिस्टर ना करें। ये सारे कैश के बिलिंग के टेम्पलेट्स हैं। उसके बाद 11th नंबर पे आपको दिख रहा है क्रेडिट बिलिंग का टेम्पलेट, यहाँ से क्रेडिट बिलिंग का ये आप कर सकते हैं। उसके बाद लेजर क्रेडिट, मतलब अगर किसी कस्टमर का आपने पेमेंट अगर क्रेडिट किया है या डेबिट किया है या आपने एडवांस लिया है किसी से, तो ये टेम्पलेट्स होंगे। अगर आपने किसी का क्रेडिट नोट जनरेट किया है तो उसके लिए ये होगा। किसी को आपको पेमेंट का रिमाइंडर भेजना है तो उसके लिए ये टेम्पलेट रजिस्टर होगा।
मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सारे टेम्पलेट्स रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपके जियो पोर्टल के थ्रू आप इन सारे टेम्पलेट्स को रजिस्टर कर सकते हैं। एक ध्यान देने वाली बात और है, अगर आपने हमारा एंटरप्राइज या एंटरप्राइज प्लस प्लान लिया है ईआर फॉर यू सॉफ्टवेयर का, तो उसके अंदर आपको अनलिमिटेड ई बिल एसएमएस फ्री मिलते हैं, मतलब कि कैश बिलिंग से लेके क्रेडिट बिलिंग तक, मतलब दो तरह के एसएमएस होते हैं। ये दोनों एसएमएस आपको हमारे एंड से मिलते हैं, जिसके अंदर आपको ये वाला टेम्पलेट अपने जियो पोर्टल पे रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है आइडियली, लेकिन वो जो एसएमएस जाता है वो जाएगा आपका ईआर फॉर यू सेंडर आईडी से, जो कि हमारे कंपनी के पोर्टल से कनेक्टेड होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपको हमारे कंपनी के फ्री एसएमएस भी यूज़ नहीं करने हैं जो कि ईआर फॉर यू से जाते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने सपोज़ अपनी ABC इलेक्ट्रिकल्स आपका शॉप है और आपने उसकी सेंडर आईडी और DLT रजिस्टर किया हुआ है, और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो अपने ही पोर्टल से मैसेजेस भेजना है, अपनी ही सेंडर आईडी से मैसेजेस भेजना है, तो आपको बिलिंग के ये सारे टेम्पलेट्स रजिस्टर करने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए अब हम चलते हैं जियो के पोर्टल पे और देखते हैं कि ये टेम्पलेट रजिस्टर कैसे होते हैं और इनका यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर जियो पोर्टल पे। जियो पोर्टल पे हम जाके टेम्पलेट के अंदर जाते हैं। टेम्पलेट के अंदर हम जाते हैं कंटेंट टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन। कंटेंट टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन के अंदर जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है टेम्पलेट टाइप, जिसमें हमें SMS सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें कैटेगरी में सेलेक्ट करना है कंज्यूमर गुड एंड ऑटोमोबाइल। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में हमें सेलेक्ट करना है सर्विस एक्सप्लिसिट। ध्यान रखिएगा, एक ही तरीका चूज़ करना है, सर्विस एक्सप्लिसिट। यहाँ से जो आपका सेंडर आईडी होगी, वो सेंडर आईडी आपको अपनी ABC ELE या जो भी आपकी सेंडर आईडी है जो आपने रजिस्टर की थी वो दिखने लगेगी। यहाँ से हमें टेम्पलेट का नेम इंसर्ट करना है, दैट इज़ OTP, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था OTP। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से अपना ये वाला टेम्पलेट जो आपको दिया गया है ये कॉपी करना है, मैंने इसे कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना है। यहाँ पर ये बोल रहा है मिनिमम लेंथ इज 5 कैरेक्टर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं OTP SMS, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं जिससे आपको ध्यान रहे। यहाँ पर हमने इस टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर जो लास्ट में सेंडर आईडी आ रही है, ये सेंडर आईडी ऐड करना कंपलसरी है हमें, तो हम यहाँ पर ABC ELE सिलेक्ट नहीं कर सकते। जो भी हमारी हेडर यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया है, ये जो आपको चूज हेडर दिख रहा है, यही सेम हेडर हमें यहाँ पर भी रखना है। ये मैंने सेम हेडर यहाँ पे रख दिया है, तो ये अब मेरा हो गया TVI TEC। इसको मैं सबमिट कर दूँगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर अपना ये चेंज कर लेता हूँ, एक्चुअली मुझे ये वाला लेना था, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ TVI TEC। ये मैंने यहाँ पर लिया और इसको मैंने सबमिट कर दिया। जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ, सपोज़ मैंने इसे यहाँ पर सबमिट कर दिया, यहाँ पर ये सबमिट के लिए ऑप्शन आ गया सबमिट कंफर्म। यहाँ पर ये दिखा रहा है टेम्पलेट नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, इट मीन्स ये मेरा टेम्पलेट पहले से रजिस्टर्ड है, इसलिए ये मेरा रजिस्टर नहीं हो पाएगा। तो इससे मेरी डुप्लीकेसी नहीं होगी, टेम्पलेट मेरा डुप्लीकेट रजिस्टर नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, मैं एक दूसरा टेम्पलेट ले लेता हूँ डिलीवरी बॉय अलर्ट एक एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ इस टेम्पलेट को, डिलीवरी बॉय अलर्ट को, यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिलीवरी बॉय अलर्ट। इसमें मैं सैंपल के लिए कुछ चेंजेस कर दे रहा हूँ, आपको चेंजेस नहीं करने हैं, मैं जस्ट ये सैंपल वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ। आपको तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है और लास्ट में अपनी सेंडर आईडी आपको यहाँ पर दिखानी है। ये मैंने सैंपल के लिए एक कर दिया है, इसलिए मेरा यहाँ पर, अब मैंने इसको क्लिक किया सबमिट कंफर्म। ये मेरा कंफर्म होते ही
आप देखेंगे तो ये सेव हो जाएगा, रिक्वेस्ट फॉर कंटेंट रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड फॉर अप्रूवल। ये आपका सबमिट हो गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है रिक्वेस्टेड के अंदर ये आपका टेम्पलेट आ गया है। जैसे ही ये रजिस्टर हो जाएंगे आपके टेम्पलेट, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड के अंदर ये दिखने लगेंगे सारे टेम्पलेट्स। अब जब आपके सारे टेम्पलेट्स रजिस्टर हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर डाउनलोड एज एक्सेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आपके सारे टेम्पलेट रजिस्टर हो जाते हैं, आपने डाउनलोड एज एक्सेल पे क्लिक किया, यहाँ पर आपकी एक्सेल फाइल जनरेट हो गई। मैंने इस एक्सेल फाइल को ओपन किया, यहाँ से मुझे एक्सेल फाइल मिल जाएगी। ये मेरी एक्सेल फाइल ओपन हो गई है। ये आप देख रहे हैं मेरी एक्सेल फाइल ओपन हो गई है। यहाँ पर मेरे सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं। आपको ये जो एक्सेल फाइल है, ये हमारे सपोर्ट ग्रुप में आपको ये वाली एक्सेल फाइल देनी है, जिससे कि हमारी बैकएंड टीम आपके इन टेम्पलेट्स को हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर या ई कॉमर्स एडमिन के अंदर इसको कनेक्ट करके आपके SMS स्टार्ट कर दे। तो ये था पूरा प्रोसीजर टेम्पलेट को रजिस्टर करने का, और कौन कौन से टेम्पलेट्स हमें इसमें से लेने हैं उसको हमने यहाँ से देख लिया। अब सपोज़ ये टेम्पलेट रजिस्टर हो गए, आपने हमें एक्सेल दे दी, अब हमारी तरफ से क्या एक्शंस होता है, या आप खुद भी इस एक्शन को ले सकते हैं। तो इसके बाद हमारा एक पैनल होता है बल्क SMS का, जहाँ पर कि हमें इन टेम्पलेट्स की मैपिंग करनी पड़ती है। उसके बाद जाके ये सॉफ्टवेयर के अंदर एडमिन में मैप होते हैं। तो ये एक हमारा URL है, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के उसमें दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर आपको टाइप करना है bulk.bulksmsguru.in। यहाँ पर आपको एक लॉगिन का पेज ओपन होगा, उसका एक ID पासवर्ड आप हमारी टीम से ले सकते हैं, जो भी एक ID पासवर्ड आपके लिए स्पेशली दिया गया होगा। उसमें आपको यहाँ से जो भी आपका SMS बैलेंस है, वो आपको यहाँ से आपका SMS बैलेंस दिख जाएगा, कितना आपका SMS बैलेंस है। और उसके बाद हमें जाना होगा यहाँ पर एंटिटी ID में। एंटिटी ID में जाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले से ये एंटिटी नेम एंड एंटिटी ID फील्ड है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ही आपका ये रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद आपकी एक एंटिटी ID जनरेट हो जाती है। तो ये आपकी एंटिटी ID है बेसिकली, दिस PE ID इज़ योर एंटिटी ID। एंड आपका जो एंटिटी नेम है बेसिकली, वो आपका एंटिटी नेम है आपके कंपनी का नाम। वो कंपनी का नाम जो भी आपने वहाँ पर फिलअप किया था, सपोज़ ABC इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पर आपका एंटिटी नेम आ जाएगा ABC इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पर आपकी एंटिटी ID आ जाएगी। उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं, जब आप नया फ्रेश सेव कर रहे होंगे। उसके बाद आता है हेडर का ऑप्शन, यहाँ से फिर आपको क्लिक करना होता है ऐड न्यू हेडर पे। हेडर के अंदर आपको ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद जैसे आपका था ABC इलेक्ट्रिकल, तो ABC ELE आपकी सेंडर ID थी, यहाँ पर आपको ABC ELE पुटअप करना है, और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया, तो ये मेरा ABC ELE यहाँ पर आके सेव हो गया। उसके बाद मुझे जाना है टेम्पलेट पे। अब मुझे टेम्पलेट पे क्या करना है, टेम्पलेट पे करना है मुझे ऐड न्यू टेम्पलेट। तो टेम्पलेट अभी जैसे मैंने रजिस्टर किया था आपका, जो अप्रूव हो चुका है, उस टेम्पलेट का नाम था सपोज़ डिलीवरी बॉय अलर्ट, डिलीवरी बॉय अलर्ट था। उसके बाद मुझे यहाँ पे पुटअप करनी है टेम्पलेट ID। टेम्पलेट ID मुझे यहाँ से मिलेगी, जो भी टेम्पलेट ID रजिस्टर हुई है। ये जियो पोर्टल खुद आपको एक टेम्पलेट ID देता है जो कि यूनिक होती है। उस टेम्पलेट ID को आपने यहाँ पे पुटअप किया, और यहाँ से आपने जो आपका टेम्पलेट रजिस्टर हुआ है, उस टेम्पलेट को आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपका ये वाला टेम्पलेट पेस्ट कर देता हूँ, ये टेम्पलेट आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको टेम्पलेट राउट आ गया, यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करना है, और जो आपका सेंडर ID था ABC ELE उस पर आपको टिक करना है, और आपको सबमिट कर देना है। तो आपका वो टेम्पलेट जो है इस SMS पैनल पे डिलीवरी बॉय अलर्ट का आपको शो हो रहा है। इतना करने के बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये टेम्पलेट मैप करना होता है। आप खुद भी उस टेम्पलेट को मैप कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी बैकएंड टीम जो है उसे मैप कर सकती है। हमारे पास ये सारे टेम्पलेट पहले से ही अवेलेबल होते हैं हमारे एडमिन के अंदर, तो हमारी टीम को जो है
पता होता है कि ये सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बल्क एसएमएस पोर्टल में ही हमें उसे मैप करना है। सबसे पहले हमारी टीम जो है, आपका जो एंटिटी आईडी है, एंटिटी नेम है और जो आपका सेंडर आईडी है, इसको हमारे पैनल में मैप कर देगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज़ ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम जाते हैं सपोज़ कस्टमर के अंदर। कस्टमर के अंदर जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। कस्टमर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मेरा एक ऑप्शन है एसएमएस कॉन्फ़िगरेशन। एसएमएस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं जाता हूँ सिंगल एसएमएस पे, तो आप यहाँ देखिए हमारे पास ये सारे एसएमएस के टेम्पलेट्स पहले से रजिस्टर्ड हैं। तो आपने अगर बल्क एसएमएस गुरु तक पे रजिस्टर कर दिए हैं टेम्पलेट्स, तो उसके बाद ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एसएमएस क्रेडेंशियल्स को अपडेट करना होगा। जैसे कि सपोज़ आपका जो एसएमएस का यूज़र नेम है, जो कि हमने आपको बल्क एसएमएस गुरु का यूज़र नेम दिया हुआ है लाइक दिस, ये आपका यूज़र नेम है सपोज़ ई आर फॉर यू श्योर वी मार्ट, ये हमें यहाँ पर पुटअप करना होगा। आपका एक पासवर्ड दिया जाएगा, हमें वो पुटअप करना होगा। और जो आपकी सेंडर आईडी होगी ए बी सी ई एल ई, वो ए बी सी ई एल ई आईडी हमें यहाँ पर पुटअप करके एक्टिवेट करनी होगी। इसको हमने एक्टिवेट कर दिया यहाँ से, ये ए बी सी आईडी आ गई। आप यहाँ पर देखेंगे ड्रॉप डाउन में हमें ए बी सी ई एल ई मिल गया है। उसके बाद यहाँ पर हमें दिख रहा है, हम इसको सेव कर देंगे तो हमारा ये सेंडर आईडी विथ आईडी एंड पासवर्ड सब यहाँ पर मैप हो जाएगा। अगर ये आपका सक्सेसफुली यहाँ पर मैप हो जाता है, तो जितने भी आपके एसएमएस थे, ठीक है, चाहे आपने वो कैश बिलिंग के मैसेजेस हों, क्रेडिट बिलिंग के मैसेजेस हों, वो सब आपके यहाँ पर सेव हो जाएंगे। और अगर हम सपोज़ ई कॉमर्स के मैसेजेस की बात करते हैं, तो ई कॉमर्स के अंदर भी आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर पहले से सारे एसएमएस टेम्पलेट दिख रहे होंगे। अभी यहाँ पर सेंडर आईडी सैंपल है, इसलिए सेंडर आईडी ईयर फॉर यू दिख रही है। अदरवाइज़ जब आप वहाँ से सेट करेंगे आपकी सेंडर आईडी, तो आपकी सेंडर आईडी आ जाएगी और ये सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर जितने अवेलेबल हैं और इस एक्सेल में जितने अवेलेबल हैं, ये सारे टेम्पलेट्स सेम रहेंगे। इस प्रोसेस के थ्रू आपका कंप्लीट एसएमएस सेटअप पूरा हो जाएगा। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं इस प्रोसेस से रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको उनके आंसर्स ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।